अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो लाओस तक का सफ़र आपने देखा होगा इस व्लॉग में, इस सीरीज़ में। एंड लाओस से चाइना तक का सफ़र मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि मेरा गोप्रो भी डाउन हो गया था, मेरा फ़ोन भी डाउन हो गया था एंड मैंने घर से पावर बैंक भी नहीं लाया था क्योंकि एयरपोर्ट पर वो रुकाते हैं पता नहीं क्या क्या। तो एयरपोर्ट पर पावर बैंक एंड ये सब अलाउड नहीं है, मैंने सुना था, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप पहली थी तो डोमेस्टिक ट्रिप्स किए तो उसमें अलाउड होता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप मैंने सुना कि अलाउड नहीं होता है, तो दैट्स मैंने नहीं लाया तो डाउन हो गया। एंड अभी फाइनली मैं ऑफिशियली पहुंच गया हूँ चाइना, लाओ चाइना में हूँ उस टाइम। मैं भी एक्साइटेड था भाई चाइना देखने के लिए, जहाँ पे मैं ऑफिशियली जब मैं छोटा था, मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ। जब मैं छोटा था ना बिल्कुल, हम दो फ्रेंड्स थे तो हम घर से भागे थे चाइना के लिए बिकॉज ऑफ मार्शल आर्ट भाई। तो हम भागे थे भाई चाइना के लिए, तो मार्शल आर्ट का इतना क्रेज़ था, हम भागे थे तो फिर हमें श्रीनगर में पकड़ा गया पुलिस वालों ने, वो ये सब फिर घर वापस लाया। तो वो एक स्टोरी थी भाई बचपन की। एंड आज ऑफिशियली मैं तब इलीगली भागा था मैं घर से चाइना के लिए, तो आज ऑफिशियली मैं चाइना में हूँ, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ब्रो। तो या आई एम सो मच एक्साइटेड एंड आप लोगों को भी दिखाता हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि चाइना कैसा दिखता है, क्या है यहाँ के नज़ारे, तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। एंड मैं जॉब के पर्पज़ से हूँ, अभी हमें कार्ड वार्ड नहीं मिला है तो हमें मतलब परमिशन नहीं है बाहर जाने की अभी, तो जैसे हमें कार्ड मिलेगा आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 10-15 डेज, तो उसके बाद हम ऑफिशियली बाहर भी जा सकते हैं, घूम भी सकते हैं। इस वक्त मैं टेरेस पे हूँ जहाँ पे हमारा होटल है, जहाँ पे हमारी बिल्डिंग है, तो आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा इस व्लॉग में, कहाँ पे मैं हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ। सो बने रहे इस व्लॉग के साथ एंड या लेट्स गो। सो हमारा होटल रूम है 902, आपको अंदर से दिखाता हूँ सब कुछ बाद में, तो पहले आपको थोड़े बहुत चाइना के नज़ारे दिखाता हूँ। आप देखो सेंसर पे यहाँ पे लाइट्स है, देखो ऊपर लाइट है, जैसे मैं चलूँगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखो भाई सेंसर पे सब कुछ, ये है मेरा ब्रो अरुण ब्रो। हेलो या ये हमारा होटल है भाई एंड ये मैं हूँ और यहाँ पे पार्टी हो रही है, तो आपको दिखाता हूँ ऑफिशियली थोड़े बहुत चाइना के नजारे। लेट्स गो, दिखा दो अरुण ब्रो इनको यहाँ की बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट ब्रो, दिस इज चाइना मैन। या तो इनको चाइना के नजारे दिखा दो थोड़े बहुत, लुक एट द बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट ब्रो। तो यहाँ जहाँ पे मैं बचपन में भागा था, तो अभी ऑफिशियली मैं वहीं पे आ गया हूँ एंड क्या बोलूँ, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ ब्रो। आई एम सो मच एक्साइटेड एंड दिस इज माय अनदर ब्रदर ब्रो। हाय फ्रॉम हैदराबाद। या या हैदराबाद। तो अभी हम होटल से बाहर आ गए हैं मेस के लिए, तो अभी लंच टाइम है इस टाइम, तो अभी जा रहे हैं अरुण और मेरा हैदराबादी भाई। तो यहाँ की गाड़ी देखो भाई, ये तो मेरे को लेनी ही लेनी है गाड़ी, देखो यहाँ पे। तो अभी जाते हैं मेस में, आपको दिखाते हैं कि मेस कैसा है यहाँ पे हमारे होटल का, तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए। इंडियन फूड भी अवेलेबल है तो हम इंडियन फूड ही खाते हैं, चाइनीज़ नहीं खाते ज़्यादा। तो यहाँ का मेस देखो भाई, यहाँ का मेस देखो, यहाँ का मेस है कुछ ऐसा। अभी तो भीड़ नहीं है उतनी क्योंकि लंच टाइम हो गया अभी। तो ये रहा इंडियन फूड हमारा, तो यहाँ पे इंडियन फूड मिलता है इस जगह, यहाँ पे इंडियन फूड मिलता है, तो यहाँ से प्लेट्स लेने पड़ते हैं। तो अभी खाना भर लेता हूँ इसमें, उसके बाद मिलते हैं हम। तो अभी कंपनी वालों ने खाना भेजा है, कुछ ये अपने बेड पे ही खा रहा हूँ मैं। फ्रेंच फ्राइज ठीक है, भेजा है बर्गर वो चाइनीज कैंडी भाई। यहाँ पे बाढ़ आ गई थी कुछ दिनों पहले, वेलकम बैक गाइस। तो अभी मैं जा रहा हूँ बार्बर शॉप पे एंड जब मैं उस टाइम लास्ट टाइम जब मैं मेस पे गया था, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और तब से मैं आज शूट कर रहा हूँ व्लॉग,
मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था एंड मैंने व्लॉग फिर वहीं पे बंद किया। मैंने तब से लेके आज तक मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया एंड अब मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। अब जा रहा हूँ मैं बार शॉप पे बिकॉज दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, बाल वाल बढ़ गए और इसकी सेटिंग थोड़ी करनी है और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। उसके बाद शूट करना है सॉन्ग के लिए, आपको दिखाता हूँ मैं सब बने रहा है इस व्लॉग में। A few inches later. Welcome back, guys. तो बार्बर शॉप से आ गया मैं तो भाई मुझे शर्म आ रही है। लुक भाई उसने क्या कर दिया, बाल तो अच्छे खासे काटे उसने लेकिन दाढ़ी उसको बनानी नहीं आई। मैंने उसको फोटो वोटो भी दिखाया था लेकिन उसको दाढ़ी बिल्कुल भी बनानी नहीं आई। भाई पता नहीं क्या किया उसने, देखो भाई यहाँ से मोटा रखा है, यहाँ से छोटा रखा है, आई डोंट नो ब्रो उसने क्या किया। तो बाल तो अच्छे काटे हैं लेकिन सब बेकार हो गया। एंड पता है कितना लिया, इंडिया के 1200 रुपए लिए, 1200 रुपए 100 यौन लिए उसने तो वो इंडिया के बनते हैं 1176 रुपीस। यार बहुत ही ज़्यादा महंगा है, 1200 रुपए की कटिंग देखो भाई। अब क्या ही कर सकते, अभी ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने घर से ट्रिमर विमर नहीं लाया था तो अभी मैं लाऊंगा यहाँ पे। तो या आपको दिखाता हूँ, हम शिफ्ट हो गए ना, अभी हम इन बिल्डिंग्स में हैं। पहले हम वहाँ पे पीछे वाली बिल्डिंग्स में थे एंड अभी शिफ्ट हो गए यहाँ पे। तो भाई चाइना की एक बात मुझे सही लग रही है क्योंकि यहाँ पे हर जगह ग्रीनरी आपको मिलेगी, हर जगह। देखो यहाँ पे भी पेड़ उन्होंने लगाए हैं अंदर। तो यार आसमान देखो क्या सही लग रहा है इस टाइम। तो अभी मैं नहा वहा लेता हूँ एंड फ्रेश होता हूँ थोड़ा बहुत। एंड उन्होंने सर्वर धोया मेरा अच्छी तरह लेकिन अभी मैं ऑफिशियली नहाऊंगा एंड उसके बाद मैं शाम को निकलूंगा बाहर, आपको दिखाता हूँ फुटबॉल कोर्ट यहाँ का एंड बाकी सब जो भी मुझे देखने को मिलेगा, जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहे इस व्लॉग में एंड इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दो भाई। अब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ एंड 2-3 व्लॉग्स डाले तो इसको प्यार दो भाई, जैसे सॉन्ग्स को दे रहे थे वैसे ही व्लॉग्स को भी प्यार दो। ओके चलो हम मिलते हैं शाम को अब। हेलो गाइस, तो अभी मैं बाहर आया हूँ थोड़ा सा चिल करने के लिए। यार देखो बार्बर ने क्या किया भाई, मुझे खुद पे शर्म आ रही है बाबू। देखो भाई मैं बाहर आया हूँ और यहाँ पे खेल रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड में, सारे मेसी एंड रोनाल्डो बने हुए हैं इस टाइम। तो अभी हम इसके अंदर ही, इस बाउंड्री के अंदर, अभी हम बाहर नहीं निकले। एक दो दिन के लिए बाहर निकले थे लेकिन वो मैंने आपको बोला किस लिए हम बाहर निकले थे, बिकॉज दर्द था तो हॉस्पिटल लिया इन लोगों ने एंड एक दिन बस ऐसे ही घूमने के लिए गए थे। तो मतलब ऑफिशियली अभी हम घूमने के लिए नहीं गए। सो या अभी कल या परसों मैं बाहर जाऊंगा, आपको यहाँ के बाहर के व्यूज़ दिखाता हूँ थोड़े बहुत। अभी आपने अंदर के व्यूज़ तो देख लिए लेकिन अभी बाहर के व्यूज़ आपको दिखाता हूँ, बाहर के व्यूज़ बाकी है। एंड और अगर गलती हो गई हो कोई व्लॉग्स में तो माफ़ कर देना क्योंकि अभी आदत नहीं है। पहले मतलब 2-3 साल पहले मैं व्लॉगिंग करता था, अभी मैं व्लॉगिंग नहीं करता हूँ एंड अभी न्यू हूँ मैं एज अ व्लॉगर। फॉरगिव माय मिस्टेक्स एंड या अभी चलते हैं अंदर अपने रूम में। तो अपने रूम में चलते हैं वापस एंड यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ थोड़े बहुत, उसके बाद मैं रूम पे चलता हूँ वापस। देखो भाई यहाँ का लुक है थोड़ा बहुत इस साइड से एंड एक फुटबॉल ग्राउंड है, कूल। देखो भाई स्नो कर खेल रही है और ये हमारे प्रीमिसेस का थोड़ा सा ये पॉन्ड है, पानी गंदा है बहुत ज़्यादा।
नहा नहीं सकते, लेकिन ब्यूटी के लिए अच्छा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हर कोई चीज़ अवेलेबल है, ऑलमोस्ट। देखो फुटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल कोर्ट है, स्नूकर खेल सकते हैं, पीछे वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, ऑलमोस्ट सब, बस क्रिकेट नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब गेम्स हैं यहाँ पे। बास्केटबॉल कोर्ट है एंड या कुछ भी खेल सकते हैं, कुछ भी। एंड इवन की जिम भी है यहाँ पे हमारी इस कंपनी में। तो यहाँ का होटल देखो, जो हमारे इस कंपनी के अंदर का होटल है वो हमारा ऑफिस है, ऊपर हमारा ऑफिस वो है। एंड ये यहाँ का होटल है, देखो भाई। तो अभी मुझे सॉन्ग का शूट करना है, तो अभी वो बंदा बेचारा, उसको बेचारे को नहीं आता है। घर पे तो प्रॉब्लम नहीं थी, घर पे सब लोग फ्रेंड्स को मैंने सिखाया था, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखते हैं उसको लगेंगे भाई, 2-3 दिन तो लगेंगे। तो ये मेरा हेडेक बन गया है भाई, कि सॉन्ग का शूट कैसे करूँ एंड ऑल दैट। अभी देखते हैं क्या होगा, आई होप कि अच्छा ही हो, वो जल्दी सीख जाए एंड मेरे सॉन्ग का शूट हो जाए भाई। अगर काम में नहीं करूँ तो चलेगा, लेकिन सॉन्ग का शूट तो होना चाहिए भाई। इट्स 6:08 एट मॉर्निंग एंड अभी मैं जा रहा हूँ मेस के लिए। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे मिलता है सवेरे 5 बजे से लेके स्टार्ट होता है। तो अभी मैं मेस के लिए जा रहा हूँ, सो आपको दिखाता हूँ। सो ये मेरा कुछ ब्रेकफास्ट है, कम ही है ना, बहुत कम खाता हूँ मैं। देखो वो कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट हैवी करो एंड डिनर लाइट हमें करना है। तो यार अभी मैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करता हूँ एंड इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सॉन्ग का शूट जब करेंगे तो इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है कि आज करेंगे शायद। तो सॉन्ग का शूट भी करना है, वो भी आपको दिखाता हूँ। एंड जब मैं बाहर भी जाऊँगा आउटसाइड, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी रीज़न से व्लॉग पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब चैनल को करो एंड शेयर करना, ठीक है, शेयर करना इस वीडियो को ज़रूर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।